नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो मैच खेला गया था उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलोर को हराया है। गायकवाड़ ने खेली है मैच विनिंग पारी। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल 2020 के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया है। इस सीजन में चेन्नई की यह 4थी जीत है। आरसीबी के खिलाफ चेन्नई की जीत के हीरो रहे युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। लक्ष्य का पीछा करते हुए गायकवाड़ ने नाबाद 65 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। आईपीएल में यह गायकवाड़ का पहला अर्धशतक है। दरअसल आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शानदार अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 18.4 ओवर में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया था। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत अच्छी रही थी। 4थे ओवर में 31 रन के स्कोर पर एरन फिंच 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें सैम करन ने पेवेलियन भेजा था। इसके बाद 46 रनों के स्कोर को देवदत्त पडिक्कल भी छक्का लगाने के चक्कर में 22 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर आउट हुए। 46 रनों पर 2 विकेट गिर जाने के बाद एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने 3रे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की थी। एबी डिविलियर्स ने 36 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोहली भी 43 गेंदों में 50 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अपनी अर्धशतक पारी में कोहली ने 1 चौका और 1 ही छक्का लगाया था। इन दोनों के आउट होने के बाद अंत में विकेटों की जड़ी लग गई थी। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 13 रन ही बने। इस दौरान मोइन अली 1, क्रिस मॉरिस 2 बनाकर आउट हुए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 5 और गुरकीरत सिंह मान 2 रन बनाकर नाबाद रहे थे। चेन्नई के लिए सैम करन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा दीपक चाहर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। वहीं मिचेल शेंटनर को 1 सफलता मिली थी। इसके बाद आरसीबी से मिले 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई को फाफ ड्यूप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत दिलाई थी। इन दोनों पहले विकेट के लिए 5.1 ओवर में 46 रन जोड़े थे। प्लेसिस ने 13 गेंदों में 25 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंद पर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। इसके बाद गायकवाड़ ने अंबाती रायडू के साथ 2रे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की थी। रायडू 27 गेंदों में 39 रन बनाकर युजवेंद्र चहल की गेंद पर आउट हुए थे। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़े थे। अंत में गायकवाड़ 51 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं कप्तान MS धोनी 21 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने 3 चौके जड़े। गायकवाड़ ने छक्का लगाकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी आईपीएल की खबरें लेकर आता रहता हूँ।